जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। इसके पहले हमने बताया था प्रथम वीडियो में आपको कुंडली के द्वादश भावों की विवेचना। आगे हम आपको बताने जा रहे हैं कि 12 भावों की क्या संज्ञा होती है, क्योंकि हर चीज का अध्ययन करने के लिए उसे एक वर्गीकरण किया जाता है और उस आधार पर वर्ग के रूप में उन्हें स्थापित किया जाता है, ताकि अध्ययन करने में हमें सुविधा होती है। तो कुंडली में प्रथम होता है केंद्र, लग्न चतुर्थ, सप्तम और दशम, इन 4 भावों को केंद्र की तुलना दी गई, इन्हें केंद्र कहते हैं। कंटक भी इनका नाम है। दूसरा लग्न पंचम और नवम, इन भावों को कोण कहा गया है, त्रिकोण इनका नाम है। लग्न पंचम नवम त्रिकोण, इनके जो स्वामी ग्रह होते हैं, इनमें जिस ग्रह की राशि होती है वह उस स्थान का स्वामी ग्रह होता है। तो उनकी विवेचना इस प्रकार इन्हीं भावों को तुलना में की जाती है। तीसरा होता है त्रिषडाय, तृतीय षष्ठ और एकादश भाव को त्रिषडाय तुलना दी गई है, नाम दिया गया है। इस प्रकार कुंडली को वर्गीकृत किया गया है। द्वितीय षष्ठ और द्वादश भाव, द्वितीय षष्ठ द्वादश भाव को उपचय के रूप में हम जानते हैं और इनको उपचय का नाम दिया गया है। आइए अब इनके सभी स्थानों के ग्रहों के बारे में चर्चा करते हैं। केंद्र में स्थित और केंद्र के स्वामी जो ग्रह होते हैं वो शुभ माने जाते हैं, मगर केंद्र में यदि शुभ ग्रह केंद्र का स्वामी होता है तो वह शुभ फल देता नहीं देता, क्योंकि वह उदासीन हो जाता है, उसकी स्थिति उदासीनता उसके अंदर आ जाती है। उसकी दूसरी राशि जिस स्थान में पड़ती है उस स्थान का वह फल निर्मित करता है, या ज्योतिष का नियम है या पाराशर्जी का नियम है, और इस नियम को सभी ज्योतिषाचार्यों ने सम्मान किया है। तो केंद्र में यदि शुभ ग्रह केंद्र का स्वामी है तो वह शुभ फल नहीं देता, और पाप ग्रह यदि केंद्र का स्वामी है तो वह पाप फल नहीं देता। यह साधारण नियम है, क्योंकि केंद्र में बैठकर के शुभ ग्रह अपनी शुभता को त्यागता नहीं है बल्कि उदासीन हो जाता है। इसी प्रकार पाप ग्रह जो यदि केंद्र में बैठता है तो अपने पाप प्रभाव को त्याग करके वह उदासीन हो जाता है, और उसकी दूसरी राशि जिस स्थान पर पड़ती है उस स्थान का फल वह स्थापित होता है। यह ज्योतिष का यहां थोड़ा सा हम आपको बता दें, 9 ग्रहों में कौन कौन से आप पाप ग्रह माने जाते हैं नैसर्गिक, और कौन से शुभ ग्रह माने जाते हैं। सूर्य मंगल शनि और राहु केतु नैसर्गिक पापी, इन्हें पाप ग्रह कहा जाता है। चंद्रमा कृष्ण पक्ष में सप्तमी तक शुभ माना जाता है, अर्थात शुक्ल पक्ष की अष्टमी से कृष्ण पक्ष की सप्तमी तक चंद्रमा शुभ ग्रह माना जाता है, और कृष्ण पक्ष की अष्टमी से शुक्ल पक्ष की सप्तमी तक चंद्रमा पाप ग्रह माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा क्षीण हो जाता है। पूर्णिमा के सानिध्य जब चंद्रमा आता है तभी वह शुभ प्रभाव में आता है और शुभ फल स्थापित होता है, और बाकी
पूर्णिमा अमावस्या के निकट चंद्रमा अशुभ फल देता है, पाप प्रभाव होता है। जे हमने आपको नैसर्गिक बता दिया, नैसर्गिक पाप ग्रह शुभ ग्रह होते हैं बृहस्पति शुक्र बुध और चंद्रमा को, जैसा कि हमने बताया नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, शुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं। मगर पाप प्रभाव में जब ये आ जाते हैं तो पाप फल भी प्रदर्शित करते हैं। त्रिषडाय के स्वामी जो ग्रह होते हैं, केंद्र के स्वामी को बता दिया हमने शुभ होते हैं, और केंद्रों के स्वामी यदि शुभ ग्रह होते हैं तो उदासीन हो जाते हैं, अशुभ ग्रह होते हैं तो उदासीन हो जाते हैं। और त्रिषडाय जो होते हैं 3, 6 और 11 स्थान के जो स्वामी ग्रह होते हैं सदैव पाप प्रभाव पर रहते हैं, अर्थात इन्हें पापी कहा जाता है। इनके संपर्क में, इनसे संबंध बनाने वाले जो ग्रह होते हैं वो भी पापी होते हैं और अशुभ फल स्थापित करते हैं। त्रिकोणेश जो होते हैं लग्न पंचम और नवम, इन स्थान के जो स्वामी ग्रह होते हैं, चाहे वो कोई भी ग्रह हो, चाहे सूर्य मंगल हो या गुरु बृहस्पति शुक्र हो, कोई भी ग्रह हो, वो सदैव ही शुभ फल स्थापित करते, अशुभ फल नहीं, उनमें सदैव शुभता होती है। 2, 12 के जो स्वामी ग्रह होते हैं वो भी उदासीन होते हैं। इनके ग्रहों की दूसरी राशि जिस स्थान पर पड़ती है उस स्थान का फल स्थापित करते हैं। यह ज्योतिष का साधारण नियम है। इस नियम से हम अपनी कुंडली को स्वयं देख सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी कुंडली में कौन कौन से ग्रह पाप प्रभाव में है और कौन से ग्रह शुभ प्रभाव में। शुभ प्रभाव में आने वाले ग्रह कब फल देते हैं इसका उल्लेख हम आगे की वीडियो में करेंगे। आपको अपनी कुंडली बनवाना हो, देखवाना हो, या किसी समस्या से आप जूझ रहे हो, समस्या से निजात पाना हो, तो बेफिक्र होकर के आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे नंबरों में, और संपर्क करके आप अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। थोड़े से कुछ और भी नियम जो आवश्यक होते हैं कुंडली देखने के समय, इसके आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधा।